तो कोई भी सरफेस परफेक्टली रफ स्मूथ नहीं है हमारे सराउंडिंग में, उसकी वजह से ये है कि लाइट फैल जाती है। और उसका ये फ़ायदा होता है कि उन जगहों पर भी लाइट पहुंच रही होती है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा सकती। अगर हम डे टाइम देखें, लाइट्स अपनी ऑफ भी कर दें, सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही, तब भी हम पढ़ सकते हैं कि लाइट आ रही होती है कुछ रूम्स में, तो इस वजह से होती है। ठीक है जी, आगे हम देख रहे हैं कि यूजेस के रिफ्लेक्शन के यूजेस ऑफ एक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो डेकोरेशन, जैसे हम अपने आप को डेकोरेट कर रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करके दिखना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन में दिखते हैं। इसके अलावा डेकोरेशन में अगर पुरानी बिल्डिंग्स फोड़ जाएं तो आप देखें वहाँ बहुत ज़्यादा दीवारों पर शीशे लगे हुए हैं, शीश महल जिसे कहते हैं। इसके अलावा कढ़ाइयों में सिंधी या बलोची, उनकी टोपियों में, उनकी कढ़ाइयों में भी शीशा यूज़ होता है, रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं। ये डायमंड्स और ये जो डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट द लाइट। ठीक है, और जिसकी वजह से वो उतने ज्यादा मशहूर हैं। फिर दूसरा है इंक्रीज द लाइट, वो कैसे, जैसे कंसीडर करें कि ये एक कैंडल है हमने रखी हुई है, ये वॉल है, तो कैंडल से लाइट जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हर तरफ जा रही है, और वो कमरे को इल्यूमिनेट कर रही है। लेकिन जो लाइट जा रही है वॉल की तरफ, वॉल्स ओपेक हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो वो लाइट जाया जा रही है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंज करें इस तरह, अगर आप ये बैक साइड को, अगर आप यहाँ कुछ मिरर लगा दें, शाइनी सरफेस लगा दें, तो जो लाइट इधर जा रही है वो भी इधर रूम की तरफ आ जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, इस तरह वही कैंडल की लाइट ज्यादा। तो एक बात नोट करें कि हर हेडलाइट गाड़ी की या टॉर्च है, उसमें बल्ब है, तो आप नोट करेंगे उसकी सारी बैक साइड एक शाइनी सरफेस होती है। उसका मकसद होता है कि यहां से तो लाइट जाएगी डायरेक्ट, लेकिन जो यहां पड़ेगी वो भी रिफ्लेक्ट होकर आगे जाएगी, ये नोट कीजिएगा। और दूसरा ना, अगर हम किसी घर में लाइक एक एक कमरे में ले लेते हैं, हम ना बड़े मिरर्स लगा दें तीन, और वहां हम एक बल्ब ऑन करें, तो वो उनकी लाइट उन तीन मिरर्स में जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो वो समझ लें कि तीन बल्ब और आ जाएंगे। हमें बल्ब वहां एक भी लगा लेंगे ना, वो चार बल्ब की तरह काम करेगा। इस तरह जितने ज्यादा ग्लासेस लगाएं, आप जाएं ना जरा मार्केट्स में, तो आप हफीज रोज सेंटर चले जाएं, आप कोई भी बड़े, तो वहाँ बहुत ज्यादा मिरर्स यूज करते हैं वो बड़ी शॉप्स में। तो ये जितने ज्यादा वो लगाएंगे बल्ब रिफ्लेक्शन, उतनी ज्यादा तो कम लाइट उनकी रिक्वायर्ड होगी और वो फील ज्यादा होगी, राइट। तो इस तरह ना हमें लाइट इंक्रीज हो जाती है, बात को नोट कीजिएगा ज़रा। रिफ्लेक्शन का एक यूज है कि हम मिरर्स के जरिए वी कैन इंक्रीज अवर व्यू एरिया। लाइक जब आप गाड़ी में चल रहे हैं ना, आप सामने देख रहे, लेकिन मिरर, साइड मिरर जो लगे हुए हैं, इनकी हेल्प से और इवन बैक से आप पिछला सारा सीन देख रहे हैं। अगर वो ना हो तो आपको इतना मुड़ना पड़े, ड्राइविंग भी मुश्किल हो जाए। तो लाइक क्या, आपको बस आंखों को जरा सा हिलाना पड़ता है, आपको सारा व्यू नजर आ रहा होता है। तो कई कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे डॉक्टर भी, डेंटिस्ट भी दांतों को अंदर देखने के लिए अपना मुंह तो बीच में नहीं ले जा सकता, तो वो छोटा सा एक मिरर यूज करता है, राइट। तो हम वो एरियाज भी देख सकते हैं, वो ज्यादा व्यू एरिया देख सकते हैं यूजिंग अ मिरर, यानी यूजिंग दिस रिफ्लेक्शन, राइट। अच्छा, इससे एक और यूज भी होता है बड़ा कमाल का, कि हम अपना व्यू एरिया या स्पेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जरा, जैसे कभी आप आई सैट चेक करवाने जाएं ना, डॉक्टर तकरीबन आपसे 10 to 12 feet दूर एक ना बोर्ड रखता है, जिसमें छोटे छोटे, फिर थोड़े बड़े, फिर बड़े और बड़े लेटर्स लिखे हुए होते हैं। तो 10 to 12 feet दूर होना चाहिए। तो एक मरतबा जो मैं डॉक्टर के पास आई सैट चेक करवाने गया, उसके पास इतनी स्पेस नहीं थी, जगह थोड़ी थी, लेकिन उसने उसने मैनेज कैसे किया, उसने जैसे मुझे बिठाया, सामने एक मिरर लगा दिया, और उसने बिल्कुल मेरे पीछे जो वॉल थी उसके ऊपर, यानी मेरे सर के ऊपर ही, राइट समझो, वो बोर्ड लगा दिया। अब वो बोर्ड लेट से के अगर 5 feet दूर था मिरर से, तो उसका इमेज भी उतनी दूरी बनेगा, 5 feet, तो वो मुझसे तकरीबन 10 feet दूर हो गया।
और मुझे सिर्फ मिरर में देखना होता था उन लेटर्स को पढ़ने के लिए, लेकिन वो डिस्टेंस वैसे लगता था जैसे मुझे 10 फीट दूर है, राइट। इस तरह उसने इसको मैनेज किया। अच्छा, अब यहाँ से एक पास पेपर भी है, जरा मैं वो डिस्कस करने लगूँ उससे रिलेटेड। पास पेपर का क्वेश्चन है, एक बंदा है जिसने सर पे बास्केट रखी हुई, आप यू कैन सी इजीली आपको पास पेपर मिल जाएगा, उसके सामने पूरा एक मिरर रखा हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि हम कितनी मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड है कि वो अपना पूरी बॉडी, अपना पूरा आप देख सकते हैं अपने आप को, तो हमें पूरे मिरर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कितना मिरर की बचत कर सकते। तो उसने ये, उसके मैंने आई के निशान बनाने की कोशिश की, लाइन जो बनाई थोड़ी सी नोज में आई बनाने की कोशिश की। अच्छा, उसने क्या देखना है, अगर अपना पूरा देखना है तो उसने अपने लोएस्ट पार्ट को देखना है और हाईएस्ट पार्ट यानी टॉप ऑफ द बास्केट को देखना है। तो वो कैसे देखेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मिरर में से देखेगा। तो मिरर में अगर उसने अपने पाँव को देखना है, फुट को, तो वो रिफ्लेक्शन होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं जब रिफ्लेक्शन होते हैं। और एंगल इक्वल होने का मतलब है वो जो पॉइंट इसके बिल्कुल मिडल में होगा इन दोनों के, उसके सामने वाले पॉइंट से रिफ्लेक्शन होकर उसके आई तक जाएगी। मीन्स जब वो यहां देख रहा होगा ना, वो अपने फुट को देख रहा होगा, तो नीचे वाला मिरर ना भी हो वो अपने फुट को यहां देख सकता है तो जरूरत पूरी, और हाईएस्ट पॉइंट है उससे लाइट आएगी और वो लाइट भी इन दोनों के मिडल वाले एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर उसकी आई तक आएगी। यानी जब वो इधर देख रहा होगा तो मीन्स वो अपने हाईएस्ट पॉइंट को देख रहा हो, इट मीन्स कि अगर सिर्फ वो इतना मिरर भी यूज करे तो अपनी पूरी बॉडी को देख सकते हैं, बाकी मिरर की जरूरत नहीं। तो नोट करें, ड्रेसिंग टेबल्स में पूरा मिरर नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे खड़े हो तो हम अपनी पूरी बॉडी को देख लेते हैं, राइट। अब रिफ्लेक्शन डिफरेंट सर्फेसेस से डिफरेंट सर्फेस डिफरेंट तरह की होती है। लेट्स से अगर कोई कर्व सर्फेस है तो आप ये आउटवर्ड साइड से जब भी कोई इमेज देखेंगे वो थोड़ा छोटा दिखाएगा, इनवर्ड साइड से देखेंगे तो वो बड़ा और वैसे उल्टा भी दिखाता है। लेकिन ये कर्व सर्फेस से जो रिफ्लेक्शन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे। हमारे सिलेबस में है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, प्लेन मतलब सीधा, तो कर्व या छोटा दिखाएगा या बड़ा दिखाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर है ना, तो वो बड़ा या छोटा नहीं दिखाएगा बल्कि सेम साइज दिखाएगा एंड सेम डिस्टेंस पर। यानी लेट्स से अगर ये एक ऑब्जेक्ट मिरर है, इस साइड पर सारे ऑब्जेक्ट बने और इस साइड पर इमेज बने, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट है ना परपेंडिकुलरली उतना ही डिस्टेंस आगे जाए एग्जैक्ट, जैसा वो अभी मैंने बोर्ड वाली आई साइड की एग्जांपल दी थी वैसी एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस आगे हमें इमेज नजर आए, बिल्कुल करीब है तो करीब ही। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस पर इवन अगर ऑब्जेक्ट यहां है और उसके सामने मिरर का कोई हिस्सा नहीं है तब भी इमेज परपेंडिकुलरली डिस्टेंस, अगर हम मैयर करें तो उतने ही डिस्टेंस दूर दूसरी साइड पर इमेज बनेगा, बनेगा बिल्कुल सामने, और दूसरा अपराइट होगा। अपराइट और वर्चुअल, ये जरा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये रिफ्रेशन में भी ये चीज डिस्कस होगी इंशाल्लाह लेंसेज में। अपराइट होता है यानी कि जब हम देखें तो सर हमें ऊपर नजर आए, जैसे मैंने बताया था ये अंदर वाली साइड, स्पून के आप कभी चेक करना अंदर वाली साइड पर आपको बड़ा दिखाएगा लेकिन उल्टा दिखाएगा, जो उल्टा इमेज होता है ना इन्वर्टेड होता है, ये इमेज को सर पाँव नीचे को उल्टा नहीं करता, यानी सर ऊपर ही नजर आएगा पाँव नीचे, मिरर में ऐसे ही होता है ना, आप उल्टा नजर तो नहीं आते, वो होता है अपराइट इरेक्टेड। दूसरा वर्चुअल, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो इमेजेस जो हम किसी स्क्रीन पे बना सकते हैं, ठीक है, ये मैं क्लास में हूं तो मैं करके भी दिखाता हूँ बच्चों को प्रैक्टिकली, लेंसेज किसी के पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो, ठीक है, तो करके दिखाए भी हुए वैसे पिछले जो सेशन है, आप में से कोई बच्चा है उसने देखा भी हुआ। तो वर्चुअल ऐसे इमेजेस होते हैं जिन्हें हम किसी स्क्रीन पे भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते वर्चुअल, जिनको बना सकते हैं वो रियल इमेजेस होते हैं। जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको अपनी जो भी है मिरर पे नजर आ रही है, आप वो शेप किसी कॉपी पे नहीं बना सकते जो आपको मिरर में नजर आ रही, ठीक है,
उसे आप किसी वॉल पे नहीं बना सकते, सिर्फ मिरर में नजर आ रही, इन्हें कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और दूसरा ये लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड होता है राइट और लेफ्ट चेंज हो जाते हैं, तो आप देखें ना आप की शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे मिरर में देखते हैं तो उल्टा नजर आता है, ठीक है। तो दैट इज वाई एम्बुलेंस के फ्रंट में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, जब कोई बंदा गाड़ी चलाते हुए मिरर से देखता है वो जब उल्टे को उल्टा करे तो सीधा हो जाता है, सीधा नजर आता है उससे, वो सीधा पढ़ लेता है, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट क्यों चेंज हो जाते हैं? लेफ्ट और राइट चेंज होने की रीजन है कि लाइट जाती है और रिफ्लेक्ट होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आना, जैसे आप अपना फेस इस तरफ करें तो आज जहां आपके राइट और लेफ्ट है, अगर आप अपना फेस ऑपोजिट दूसरी तरफ करें तो आपके राइट और लेफ्ट की जगह चेंज हो जाएगी, यही वजह है। अच्छा, उसको यहां पर देखें, ये एक एरो है, ये इसकी टिप है और टेल है, तो जितनी दूर टिप है उतनी दूर इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, जितनी दूर टेल मिरर से उतनी दूर। तो अब आप देखें कि एरो का ये टिप आपके राइट साइड पर है और टेल लेफ्ट साइड पर है, तो इमेज में देखें जो टिप है वो लेफ्ट पर होगी और टेल राइट पर होगी।